बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। वंश में इस सूर्य वंश में जिसमें बड़े बड़े राजा ऋषि हुए हैं, भक्त हुए, दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए, और फिर इन्हीं के वंश में महाराज दशरथ हुए। और महाराज दशरथ की तीन रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कौन सी, थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, कई कई का नाम याद रखना, बहुत महत्व का नाम है कई कई। लेकिन तीनों ही पत्नियों को संतान नहीं थी। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, स्वयं अग्नि देव चरु लेके उत्पन्न हुए, और गुरु की आज्ञा से चरु का आधा भाग कौशल्या जी महारानी को दिया, बाकी दो में से दोनों ने आधा आधा कर लिया। कैकेयी जी ने कहा कि मुझे आधा प्रसाद क्यों नहीं मिला, ये प्रसाद मैं नहीं लूंगी। तो उन्होंने वह प्रसाद लेके एक कोने में पटक दिया, और उस प्रसाद को एक चील लेके उड़ी और अंजन पर्वत के ऊपर गई, जहां महारानी अंजनी पुत्र कामना से उपासना कर रही थी, भक्ति कर रही थी। उनके हाथ में वो प्रसाद गिरा, और वह यज्ञ का प्रसाद जैसे ही हाथ में गिरा, प्रभु का कृपा प्रसाद मान के महारानी अंजनी ने उसे ग्रहण कर लिया। और उसके प्रताप से कौन प्रकट हुए, जहाँ भगवान प्रकट होने वाले होते हैं वहाँ पहले भक्त प्रकट हो जाते हैं। सबसे पहले हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोलो भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की सेवा करने के लिए भक्तों तो चाहिए ना पहले। फिर कौशल्या जी ने अपना आधा प्रसाद कैकेयी जी को दिया कि लो बहन तुम ले लो। और तीनों रानियां गर्भवती हुई। नवमी की तिथि, नवमी तिथि ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं बड़ी अभागिन हूँ। बोले क्यों? क्योंकि मैं रिक्ता तिथि हूँ। सभी ब्राह्मण पंडित कहते हैं तू रिक्ता तिथि है, तेरे में कोई शुभ कार्य नहीं होगा। तो प्रभु चतुर्दशी भी रिक्ता है, लेकिन उस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हो गए तो चतुर्दशी धन्य बन गई। मैं नवमी अभी भी अभागिन हूं, मेरा भी उद्धार करो। प्रभु आप पधार रहे हो तो नवमी के दिन पधारो। तभी काल सामने आ गया कि प्रभु मुझे भी धन्य बनाओ, मेरे समय में जन्म लो। तो चैत्र शुक्ल नवमी का शुभ दिन और दिन के 12 बजे माता कौशल्या के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण लेके प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सर्वत्र बधाई का समाचार फैल जाता है, अरे कौशल्या जी के यहाँ लाला हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। कौशल्या जी कहती है कि प्रभु पुत्र बन के आने को कहा था, पिता बन के नहीं। तभी भगवान श्री रामचंद्र छोटे से बालक के रूप में उनकी गोद में विराज जाते हैं, और सब जगह बधाई बढ़ रही है कि प्रगटे हैं राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया अवधपुर बधैया। प्रगट
पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी कौन है? श्री रामचंद्र जी हास्यावतार हैं। राम कौन है जो भक्तों के मन में रमण करते हैं, जो योगियों के मन में रमण करते हैं? रामचंद्र जी कौन है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है? और रामचंद्र कौन है तो उपनिषद कहता है कि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। परम ब्रह्म है श्री रामचंद्र जी, इसलिए कहा है कि राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश। राम के नयन गंभीर हैं और कृष्ण के नयन चपल विशेष। रामचंद्र जी के नयन गंभीर हैं, उन्होंने मर्यादा धारण कर रखी है, इसलिए उनके पास 14 कलाएं हैं और हमारे नटखट ने 16 कलाएं धारण कर रखी हैं, इसलिए उनके नयन चपल हैं। वो भी कैसे विशेष, इसलिए अपने यहाँ फागुन में कीर्तन होता है, श्री गोवर्धन राय लाला प्यारे लाल त्यारे चंचल नयन विशाला याते मोह रही ब्रजवाला। तो प्रभु आपके जो नयन चपल हैं और श्री रामचंद्र जी के नयन गंभीर हैं, तो सूरदास जी क्या कहते हैं, मदन गोपाल हमारे राम। इसलिए अपने पुष्टि मार्ग में रामनवमी भी मनाई जाती है, प्रातः काल श्री ठाकुर जी का पंचामृत स्नान करवाया जाता है। श्री रामचंद्र जी की बाल लीला का वर्णन आता है आगे कि श्री रामचंद्र जी दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, माता कौशल्या जी ने
चरण में पैंजनी पहना दी है तो ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं कि ठुमक चलत राम चंद्र ठुमक चलत हरी कथा अनंता सहस्त्र रसना क्यों न दई विधाता। भगवान की ऐसी ऐसी लीला इतनी लीला है कि एक रसना से कहना और एक समय में कहना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद भगवान की शिक्षा दीक्षा होती है। वशिष्ठ जी समझाते हैं कि राम का जल्द विवाह करवाएंगे, इनको शिक्षा दीक्षा दिलवाना बाकी है। उस प्रकार भगवान राम ने ताड़का का उद्धार किया। अब गुरु की आज्ञा है विश्वामित्र जी की कि राम जनकपुरी चलना है। अब प्रभु पूछ तो सकते नहीं है क्यों चलना, क्योंकि सेवक का धर्म ये नहीं है पूछना क्यों। सेवक का धर्म है जो आज्ञा। पूछ लिया क्यों तो गया सेवक धर्म, जैसी आपकी आज्ञा। तो जनकपुरी की ओर चल रहे हैं, तभी मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम आया। और उस गौतम ऋषि के आश्रम में पधार के गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दी कि राम ये पत्थर की जो शिला देख रहे हो ना, ये पत्थर की शिला नहीं है, ये ऋषि पत्नी है अहल्या, जो ऋषि के शाप से पत्थर हो गई है। राम अपने चरण इनके ऊपर लगा दो तो ये शाप से मुक्त हो जाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने विनती करी कि हे गुरुवर, मुझे पता नहीं होता तो मैं जरूर लगा देता, लेकिन मैं मर्यादा में हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप है मेरा, मैं कैसे किसी स्त्री को चरण लगाऊं। तभी वायुदेव ने कहा कि प्रभु ये सेवा अगर मुझे मिल जाए तो। तभी मंद मंद वायु प्रवाहित होने लगी और श्री रामचंद्र प्रभु के चरण की धूल उस पत्थर के ऊपर लगी। और जैसे चरण रज की धूल लगी वो पत्थर माता अहिल्या बन गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे ही प्रभु पधारे जनकपुरी, प्रभु का रूप सौंदर्य देख के परम त्यागी परम वैरागी भगवत राग में रचे पचे हुए राजा जनक को प्रभु का रूप स्वरूप देख के मोह उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा ये कौन हो सकते हैं, जनक राजा कौन है आपको पता है? जनक राजा इतने बड़े भक्त हुए हैं कि जब सुखदेव जी को भागवत का उपदेश देना था तो व्यास जी ने कहा कि पहले जाओ राजा जनक से उपदेश लेके आओ, तब तुम अगर उन्होंने तुम्हें परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया तब तुम भागवत रस पान करने के लिए योग्य बन जाओगे। ये ऐसे महान हैं राजा जनक, निर्मोही, लेकिन उनको भी मोह हो गया क्योंकि प्रभु का रूप स्वरूप देख के किसे मोह नहीं उत्पन्न होता। ने कहा ना पान करत न अघाते नैन सलोने तरुण मद माते। ऐसे नयन कटाक्ष का दर्शन किया, मुख कमल का दर्शन किया, उस सांवली सलोनी मूरत के ऊपर, उस सोहिनी सूरत के ऊपर राजा जनक लटू भटू हो गए और पूछने लगे कि हे ऋषिवर ये कौन है और क्या कहते हैं। कहूं ना था
प्रकार भगवान श्री राम का श्री सीता जी के साथ विवाह होता है, सिया के साथ प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न होता है। बोलो सियावर श्री राम चंद्र भगवान की जय। उसके बाद बड़ी सुंदर कथा होती है, रामायण अब प्रारंभ होती है। और रामायण कैसी प्रारंभ होती है कि राम को राजा बनाने का दशरथ जी ने विचार किया। सभी देवता घबराए कि अरे अगर राम राजा बन गए तो प्रजा का उद्धार कौन करेगा। तो मैंने कहा था ना कैकेयी जी का नाम याद रखना। तो सभी देव गए और देव जाके कैकेयी जी से प्रार्थना करते हैं कि माते अगर राम राजा बन गए तो प्राणी मात्र का उद्धार कैसे होगा। राम तो जन जन के मन में निवास करते हैं, घर घर जाके उनका उद्धार कैसे करेंगे। राजा बन जाएंगे तो केवल सिंहासन पे बैठेंगे, वन में डोल डोल के अपने भक्तों का कल्याण कौन करेगा। ढीलों का उद्धार कौन करेगा, किरातों का उद्धार कौन करेगा, ऋषियों का उद्धार कौन करेगा, इस धरणी का उद्धार कौन करेगा। माता कैकेयी आप तो राम को वनवास दिलवा दो। कैकेयी माता ने सोचा मैं वनवास कैसे दिला दूं। बोले माता जन जन के कल्याण के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। राम कहते ही तो इसी को है तो जन जन के मन में रमण करे। और अगर वनवास ही निकाल दिया तो रामायण में बचेगा क्या कि भगवान राम ने जन्म लिया, शिक्षा दीक्षा ली, राज की लक्ष्मी का उपभोग किया, राजा बने और बचा क्या फिर। रामायण तो वनवास का नाम है, वन की कथा ही रामायण है। जैसे सामान्य मनुष्य का जीवन है वैसा जीवन हो जाएगा भगवान श्री राम का। तो कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए त्याग कर दिया। और कैसा त्याग किया कि उस कैकेयी के ही आशीर्वाद का प्रताप है, उस कैकेयी के ही कृपा प्रसाद है सब भक्त समाज के ऊपर कि जिसने युवराज राम को भगवान राम बना दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। नहीं तो केवल युवराज राम बन के रह जाते, राजा राम बन के रह जाते। उस राजा को महाराजा धीराज अखिल ब्रह्मांडाधीश राजपति राजा महाराजा किसने बनाया, कैकेयी ने बनाया। इस धरा वसुंधरा पर एक युवराज को भगवान बना दिया। ये कैकेयी का प्रताप है क्योंकि भगवान राम वनवास के लिए प्रकट हुए हैं, भगवान राम सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं, भगवान राम राज गद्दी पे बैठने के लिए प्रकट नहीं हुए। अरे त्रिलोकी की गद्दी कौन सी कम है, त्रिलोकी की गद्दी के सामने, उस ऐश्वर्य के सामने अयोध्या की गादी क्या लगती है। त्रिलोकी के राज सिंहासन को छोड़कर अयोध्या के राज सिंहासन पे थोड़ी बैठना है प्रभु को, उनको तो भक्तों के राज सिंहासन पर बैठना है। तभी तो भगवान कहलाएंगे, तभी तो राम कहलाएंगे। और वनवास लिया, वनवास ग्रहण करके
भगवान श्री राम सरयू के ऊपर पधारते हैं। केवट से कहते हैं केवट पार उतार दो। केवट कहता है नहीं प्रभु, पहले चरण प्रक्षालन करने दो। क्यों? वो केवट कौन है? वो क्षीर सागर का कछुआ है जो रात दिन लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता था कि मैया कभी प्रभु के चरण की सेवा मुझे भी करने दो। लक्ष्मी जी कहती थी नहीं, मैं अपनी सेवा क्यों छोड़ू। वही केवट जो कछुआ था उसने कहा कि मुझे सेवा कब मिलेगी? तो प्रभु ने कहा हम अवतार ग्रहण करेंगे तब तुम्हें चरण की सेवा देंगे। और वही क्षीर सागर का कछुआ आज केवट बन के आया है और श्री रामचंद्र प्रभु के चरण को धो रहा है, चरण स्पर्श कर रहा है, चरण पखार रहा है। ऐसा भक्त केवट और ऐसा ही भक्त भगवान को पार उतार सकता है। ज्ञानी भगवान को पार नहीं उतार सकता। भगवान जो सबकी नाव चलाते हैं उनकी नाव को कौन चला सकता है? भक्त चला सकता है। भगवान को भी जब पार उतरना होता है तो भक्त का सहारा लेना पड़ता है। भगवान भले सबको भवसागर से पार उतारते हो लेकिन जब भगवान को पार उतरना होता है तो भगवान के नाव की पतवार भक्त अपने हाथ से चलाता है। यह भक्ति का महात्म्य है। इसके बाद केवट भगवान को पार उतारता है। माता सीता का हरण का प्रसंग आता है। अब इस सीता हरण के प्रसंग में बड़ी जानने की बात है कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया लेकिन क्या सीता जी में शक्ति नहीं थी रावण को मारने की? शक्ति थी। रावण अहिरावण महारावण का वध तो स्वयं श्री जानकी जी कर सकती थी। रावण को मारना सीता जी के लिए कोई कठिन काम नहीं था। अरे जिस शिव का धनुष रावण उठा नहीं पाता पाया जिस शिव का धनुष रावण उठा नहीं पाया उस शिव के धनुष को सीता जी रोज एक हाथ से उठा के उसके नीचे से कंकु अक्षत और फूल हटा के उससे स्वच्छ करती थी। रावण ने शक्ति लगा दी नहीं उठा पाया लेकिन सीता जी तो रोज उठा लेती थी लेकिन सीता जी ने नहीं मारा। क्यों? प्रभु श्री राम का यश बढ़ाना है इसलिए नहीं मारा। सीता जी का हरण हुआ तो रावण ने कौन सी सीता का हरण किया? सीता जी के तीन स्वरूप का वर्णन करते हैं। सात्विक सीता जी जो सदा श्री राम जी के साथ रहती हैं। श्री राम जी की भी निकुंज लीला का वर्णन आता है बहुत सुंदर। तो वो सात्विक सीता का जो स्वरूप है वो कौन सा है जो सदा निकुंज में श्री रामचंद्र जी के साथ विराजमान रहता है? राजस सीता जी कौन है जो अग्नि में समा जाती हैं? और तामसी छाया रूपी जो स्वरूप है सीता जी का वो रावण अपना उद्धार करने के लिए हरण करके ले गया। रावण ने सीता जी का हरण क्यों किया? वो स्वयं का उद्धार करना चाहता था। एक बार रावण ने अशोक वाटिका में एक मंदिर बनवाया। शिव जी का भक्त तो सोचा कि उसमें पार्वती जी की प्रतिष्ठा करूंगा। तो उसने कहा हम ये पार्वती जी की प्रतिष्ठा मूर्ति में नहीं करेंगे, हम तो साक्षात पार्वती मैया को यहां लाके विराजमान करवाएंगे। भगवान शंकर जी ने कहा पार्वती जी को ले जाएगा, बड़ी गड़बड़ बात है। तो भगवान शंकर ने विष्णु जी को कहा
कि नारायण ऐसा कुछ करो कि इसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए। भगवान विष्णु की माया तो सबको घुमा देती है, ऐसी माया चलाई कि रावण भ्रमित हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, रावण तू जिस पार्वती जी को लेके आ रहा है ना, वो नकली पार्वती है, शिव जी ने असली पार्वती मैया को तो अपने पास रख लिया है। बोले प्रभु ने मेरे साथ धोखा किया? बोले हाँ धोखा किया, लेकिन बाद में जब रावण को पता चला कि विष्णु भगवान ने मेरे साथ छल किया, तो उसने कहा कि मैं उमा को तो नहीं ला सका, लेकिन अब रमा को जरूर मेरे महल में ला के बिठाऊंगा। इसलिए उसने जानकी जी का हरण कर लिया और अशोक वाटिका में लाके विराजमान करवाया। और अशोक वाटिका कैसी, जिसमें कोई शोक नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, जहां जो शोक रही तो वो अशोक, ऐसी अशोक वाटिका में जानकी जी को विराजमान करवाया। जानकी जी को भी शोक नहीं, श्री राम की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा है श्री राम के पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए अशोक वाटिका में विराजमान होके भी शोक रहित हैं। इसके बाद वर्णन आता है कि शबरी के जूते बेर श्री रामचंद्र प्रभु ने खाई, यह पुष्टि लीला है। लक्ष्मण जी से कहा तुम भी खाओ, लक्ष्मण जी ने कहा हम क्षत्रिय, हम किसी का जूता नहीं खाते। भगवान राम ने कहा जब मैं जूता खा रहा हूं, भक्त का तू क्यों नहीं खाता? यह पुष्टि लीला है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव है कृपा करना, भगवान कृपा करना छोड़ नहीं सकते कभी, पुष्टि लीला करना छोड़ नहीं सकते। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आ जाए, लेकिन पुष्टि पुरुषोत्तम पना उनका जाता नहीं है। इस भक्त के झूठे बेर तो तुझे खाने ही पड़ेंगे लक्ष्मण। तो जब लक्ष्मण को संजीवनी बूटी खिलाई और लक्ष्मण जी सजीव हुए, तब प्रभु श्री राम के चरण में गिर के बोले कि प्रभु आपने मुझे जीवन दान दिया। हनुमान जी से बोले आपने मुझे जीवन दान दिया। भगवान राम कहते हैं कि जीवन दान हमने नहीं, शबरी ने तुझे दिया। बोले कैसे? बोले याद कर लक्ष्मण, तुमने मना कर दिया था ना कि मैं उस भीलनी के झूठे बेर नहीं खाऊंगा। बोले हाँ। बोले वही बेर हैं जिन्होंने तेरे प्राण बचाए, संजीवनी बूटी और दूसरा कुछ नहीं, उसी शबरी के झूठे बेर हैं जिससे तेरे प्राणों की रक्षा हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना हुई, रावण को पुरोहित बनाया। रावण भी भगवान का भक्त था, उसने भगवान से कहा श्री रामचंद्र जी से कि राम तुम पूजा तो कर रहे हो, लेकिन पूजा तो सपत्नी करनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मैं तुम्हारा पुरोहित हूं, तुमने मुझे पुरोहित बनाया है, तो मेरा कर्तव्य पूछना तुम्हारी पत्नी कहाँ है? जब तक पत्नी धार्मिक कार्य में साथ में नहीं बैठती, तब तक वो धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता, सजोड़े बैठो। भगवान श्री राम ने रावण के सामने हाथ जोड़ लिए। क्यों? क्योंकि उसे पुरोहित बनाया है। हाथ जोड़ के मुंह नीचे कर लिया तो रावण ने कहा चिंता मत करो राम, तुम चिंता मत करो। हनुमान जी से कहा कि जाओ देवी सीता को लेके आओ, मेरे विमान के विमान में विराज रही हैं। सब आश्चर्य में पड़ गए कि रावण सीता जी को लेके आया। भगवान राम ने भी ऊपर नेत्र की ओर मुस्कुराए। रावण ने कहा कि सच्चा पुरोहित वही है जो अपने यजमान का हित विचारे। राम तुम चिंता मत करो, रावण विद्वान ब्राह्मण है, वो पूरे धर्म कर्म से तुम्हारे कार्य को सफल करेगा। मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी लेके आया हूं साथ में। रामेश्वर की स्थापना करी,
और रावण ने आशीर्वाद दिया कि राम तुमने जिस मनोकामना से यह कार्य किया है तुम्हारा वह मनो कार्य पूरा हो, तुम्हारे सभी शत्रुओं का नाश हो, तुम सदा विजयी दिग्विजय हो। रावण ने स्वयं ने भगवान श्री राम को आशीर्वाद दे दिया, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। उसके बाद घमासान युद्ध हुआ और दशानन रावण भगवान श्री राम के हाथों गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री राम चंचल भगवान की जय। अब बड़ा सुंदर इसमें रहस्य बताते हैं कि विजयादशमी के दिन भगवान श्री राम का अभिषेक हुआ, सबने जय जयकार करी, भगवान श्री राम की विजय हुई। तो विजयादशमी के दिन हमारे पुष्टि मार्ग में एक बड़ी विशेषता है, सभी भक्ति मार्ग में है कि श्री ठाकुर जी को जवारा धराया जाता है। भक्त जय जयकार करते हैं कि प्रभु आपकी सदा सर्वदा जय हो, और श्री ठाकुर जी को गेहूं और जो से अंकुरित जो जवार है वो श्री मस्तक पर धराते हैं, और 10 गोबर के गोले दशहरे के दिन एक पट्टे के ऊपर खड़ू से गीली खड़ू से 10 खाने बनाए जाते हैं, और एक एक खाने में एक एक गोबर का गोला रखा जाता है और उसके ऊपर सिंदूर की टिपकी लगाई जाती है, और श्री ठाकुर जी को जवारा धराने के बाद वो जो 10 गोबर के गोले हैं उनको कुमकुम अक्षत से पूजन किया जाता है, कंकु छीटा जाता है, पीले चोखे डाले जाते हैं, श्री ठाकुर जी की प्रसादी ओढ़नी ओढ़ाई जाती है, और श्री ठाकुर जी के प्रसादी जवारे धराए जाते हैं, और कीर्तन होता है कि आज रघुपति चढ़े लंक गढ़ लेने को। बड़ा सुंदर पद होता है, आज रघुपति चढ़े लंक गढ़ लेने को। तो वो 10 गोबर के गोले क्या हैं? लोग समझते हैं कि वो रावण के सिर है, नहीं, रावण के 10 जो सिर थे वो क्या थे? 10 प्राण थे। उसने 10 प्राणों को अपने वश में कर लिया था। प्राण अपान व्यान उदान समान नाद क्रकल कूर्म देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। इन 10 प्राण और 10 उप प्राणों को रावण ने अपने वशीभूत कर लिया था। तो वो 10 गोले गोबर के इसलिए पधराए जाते हैं, ठाकुर जी का प्रसादी जवारा धराया जाता है, ताकि हमारे भी 10 प्राणों की शुद्धि हो, हम कहीं रावण नहीं बन जाएं, दुर्बुद्धि नहीं बन जाएं। इसलिए हमारे 10 प्राणों की शुद्धि हो, और वही 10 जो गोबर के गोले होते हैं ना, उसके ऊपर रूप चतुर्दशी के दिन श्री ठाकुर जी के स्नान का जल गर्म होता है। श्री ठाकुर जी के स्नान का जल उन्हीं 10 गोबर के गोलों के ऊपर गर्म होता है, और अपने यहाँ पद होता है विजयदशमी के दिन कि विजयदशमी और विजय मुहूर्त विजय करो श्री गोवर्धन धारी लाल। श्री ठाकुर जी की सदा सर्वदा जय जयकार भक्त करते हैं कि प्रभु आपकी सदा जय हो, क्योंकि भक्त की जय कब होती है? जब भगवान की जय जयकार होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब वो जवाहरा क्या है सुनो, श्री स्वामिनी जी श्री राधिका जी के चरण में जौ है, जव वह जब से फूटा हुआ वह जवारा है, श्री चरण का अंकुर है यवांकुर है, श्री स्वामिनी जी के चरण का यवांकुर श्री ठाकुर जी अपने मस्तक पर धराते हैं कि राधे तू मेरी स्वामिनी हो, राधे को दास।
श्री स्वामिनी जी कहते हैं कि तुम मेरी स्वामिनी और मैं तुम्हारा दास हूं, तो यह सेवा की पद्धति भी आपको समझाई, इसका तात्विक रहस्य भी समझाया और इसका रसात्मक निकुंज का रहस्य भी समझाया। तो नवरात्रि के दिन जवारा बोए जाते हैं, क्यों? क्योंकि नवधा भक्ति हमें सिद्ध हो, इसलिए नवरात्रि के दिन नौ कुंडे में जवारा बोए जाते हैं और दशहरा के दिन ठाकुर जी को धराया जाता है ताकि दशमी प्रेम लक्षणा भक्ति हमें सिद्ध हो जाए श्री ठाकुर जी की, इसलिए जवारा धराना। आगे चंद्रवंश का वर्णन करते हैं।